वेरी वेल वेलकम, स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल ड्रोन या एयरक्राफ्ट के बारे में, जिस पे अमेरिका का सबसे ज्यादा भरोसा है। इस पर्टिकुलर ड्रोन या एयरक्राफ्ट की बात करें, ये अमेरिका में काफी साल से अपनी सर्विसेज दे रहा है। ये डिप्लॉयड है आपके यूएस एयरफोर्स में, नासा में, और इवन ये आपके नाटो फोर्सेस में डिप्लॉयड है। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या ड्रोन का नाम है RQ-4B ग्लोबल हॉक। इसका पूरा नाम है नॉर्थ्रॉप ग्रूमन RQ-4 ग्लोबल हॉक। ये टाइप का ड्रोन और एयरक्राफ्ट है जिसने काफी साल से यूएस को कई जगह पे बहुत बड़ी कामयाबी दी हुई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। इसका पर्टिकुलर जो नाम है वो RQ-4B ग्लोबल हॉक है। ये टाइप का ड्रोन और एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली आपके सर्वेलेंस के लिए, हाई अल्टीट्यूड सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये हाई अल्टीट्यूड सर्वेलेंस या रिकॉग्निशंस के लिए यूज किया जाता है, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके जितने भी मिलिट्री है एज वेल एज एयरफोर्स है या जो भी इससे यूनिट जो इसको परचेस कर रहे हैं उन सबको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। आगे इसमें बात करें कि इसको डिजाइन किया गया है आपके रयान एरोनॉटिकल्स ने, इसको डिजाइन किया गया है और इसको सबसे पहले डेवलप करना चालू कर दिया था 1998 में, जबकि ये नवंबर 2001 को इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसके कई यूनिट्स बनाए गए, अभी तक इसके 42 यूनिट्स को बनाया गया है, जिसमें अब मैंने बताया इसमें कुछ यूनिट्स यूएस एयरफोर्स यूज करती है, इसके कुछ यूनिट्स को नासा, कुछ यूनिट्स नाटो एयरफोर्स नाटो फोर्सेज है वो यूज करते हैं। इसमें अगर आगे बात करें कि इसमें एक सिस्टम लगा है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो हाई रिजोल्यूशन की इमेज प्रोवाइड करता है। इसमें बोले गए कि इसकी इफिशंसी कितनी है, कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो एक दिन में उड़ान भर सकता है, ये आपका समझ जाइए 40,000 स्क्वायर माइल्स के आसपास ये उड़ान भर सकता है, जो कि लगभग 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। अगर इसको कंट्री में देखा जाए तो लगभग साउथ कोरिया और आइसलैंड जैसी कंट्री को तो ये पूरा एक दिन में पूरा ट्रैक कर सकता है अपने एक एंड्योरेंस में। अब इसमें आगे बात की जाए कि इसमें सबसे पहले इसके जो जितने भी 42 जो आपके 42 यूनिट्स हैं उसको 2013 तक डेवलप कर लिया गया था। यूएस नेवी ने इसी पर्टिकुलर आरक्यू जो 4B ग्लोबल हॉक है इसको मॉडिफाई किया और अपने तरीके से डिजाइन करवाया और इसको कन्वर्ट किया MQ-4C ट्राइटॉन मैरीटाइम सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म में। अब इन दोनों जो डेवलप हुआ है, जो पुराना उसमें सिर्फ विंग जो कॉन्फ़िगरेशन है, विंग्स का फर्क है, दोनों की अगर आप विंग को कंपेयर करेंगे तो विंग में आपको वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये लगभग उड़ान भर सकता है आपके 50,000 फीट के ऊपर तक ये उड़ान भर सकता है, लेकिन अगर इमेज को आइडेंटिफाई करना है तो वो तुरंत ड्रॉप डाउन करके नीचे आ सकता है लगभग 10,000 फीट के आसपास। तो ये इसका वेरिएशन है जिसमें यह उड़ान भरता है। अभी तक इतने यूनिट्स बनने के बाद सिर्फ इसकी 2 यूनिट्स का ही एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक यूनिट्स को इन्होंने लॉस कर दिया एक्सीडेंट में और दूसरे यूनिट को ईरान में शॉट डाउन कर दिया जब ये वहां पर सर्वेलेंस कर रहा था। आगे इसमें बात करें कि जर्मन एयरफोर्स जो है वो उसके इक्रेडिबिलिटी को देखते हुए इन्होंने इसके कई यूनिट्स को ऑर्डर किया और उन्होंने इसको यूरो हॉक कहा गया और इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया था 29 जून 2010 के आसपास इसके फ्लाइट को कंडक्ट किया गया। और इनका जो RQ-4B था इसे इक्विप्ड किया गया है कस्टमाइज सेंसर सूट से, इसको इक्विप्ड कर दिया गया है इसमें जो ये चीज है। और साथ ही साथ ये सिग्नल इंटेलिजेंस से भी लेस है। इसमें जो इंजन लगा हुआ है अगर इसकी वजह इसको पावर देता है वो है आपका एलिसन का रोल्स रॉयस AE3007 टर्बोफैन इंजन है जो इसमें लगा हुआ जो इसको पावर करता है। इसमें देखें कि इसकी अगर बॉडी को आप देखेंगे तो इसका जो टेल पोर्शन है वो वी के शेप का है, इसलिए इसको बोलते हैं वी टेल कॉन्फ़िगरेशन में ये शेप दिया गया है जो इसको लॉन्ग एंड्योरेंस तक, बहुत लंबे देर तक उड़ान भरने में मदद करता है। साथ ही साथ ये सैटेलाइट एंटीना से भी लेस है। इसमें कुछ सिस्टम्स लगे हुए हैं, जैसे कि अब एक सिस्टम है जिसका नाम मैंने आपको बताया सिंथेटिक अपर्चर रेडार, कुछ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यूनिट्स लगे हुए हैं और साथ ही साथ थर्मोग्राफिक कैमरा यूज लगे हुए हैं। ये सब आपस में मिलके एक
इमेज या कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए ये यूज करते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस का। अगर इसे बात करें कि इसकी इफिशियंसी कितनी है, ये कितने काबिलियत से ये देख सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया को, मान लीजिए 66,000 फीट तक अगर ये उड़ान भर रहा है, वहां से नीचे ग्राउंड में मान लीजिए कोई 30 सेंटीमीटर डायमीटर के अंदर कोई चीज पड़ी होगी, उसके इमेज को ये बहुत अच्छे से देख सकता है और रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये इसकी काबिलियत और एफिशिएंसी है। और एयरक्राफ्ट इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके भेजता है सिग्नल्स के द्वारा, इसके लिए ये यूज करता है एक्स बैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये एक्स बैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके लिए ये एक सेपरेट सिस्टम है जो सिर्फ मिलिट्री के लिए यूज करता है यूएस, और इसके जरिए ये एयरक्राफ्ट से सिग्नल्स को भेजता है आपके एमसीई यूनिट को और एलआरई यूनिट को। एमसीई यूनिट है जिसको मिशन कंट्रोल एलिमेंट बोलते हैं, और एक एलआरई यूनिट होती है जिसको लॉन्च एंड रिकवरी एलिमेंट भी बोलते हैं। जो एमसीई यूनिट है ये इसके मिशन प्लानिंग को, कंट्रोल एंड कमांड को और इसके इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान देती है, जबकि इसकी एलआरई यूनिट है वो इसके लॉन्च और रिकवरी के जो प्रोसेस है उसको ध्यान देती है, और इसको इसको ग्राउंड इक्विपमेंट सपोर्ट अगर देना हो तो यही यूनिट इसको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ये लेस होता है हिसार सेंसर सिस्टम से, जो ह्यूज इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस सेंसर सिस्टम है जिससे ये लेस है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।